नमस्कार, मेरा नाम मेहमान एनबीसीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मेरे साथ एक ऐसी मेकअप आर्टिस्ट जिसने पूरी इंडस्ट्री में धमाल मचा रखा है, छोटी सी उम्र में बवाल मचा रखा है। मैं बात कर रहा हूं कल्याणी सरोड़े की। मैं जानना चाहता हूं कि छोटी सी उम्र में इतना धमाल कैसे, और सुना है कि बहुत सारे अवार्ड्स आपके हाथ में आए हुए हैं, तो सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपने मेकअप इंडस्ट्री में कदम कैसे रखा है। ये मेरा 2019 से चालू हुआ था मेकअप का। ब्यूटी का तो मेरा 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और उसके बाद 2019 में मैं फर्स्ट विन आ चुकी थी नागपुर में, और मेरा नेशनल अवार्ड भी उसी ईयर में चालू था। देन उसके बाद काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले, रोकड़े ज्वेलर में भी फर्स्ट विन आ चुकी थी मॉडलिंग में। उसके बाद मुझे खिलाड़ी मूवी का भी साउथ में मुझे एक्टिंग मतलब वहाँ पे मेकअप करने का मौका मिला था। तो ऐसे करके मैं बॉलीवुड में भी मैं जा चुकी हूँ, क्राइम पेट्रोल से भी मुझे अवार्ड मिला, और सबसे बेहतरीन अवार्ड मेरा था अभी 16 अगस्त को जो जास्मिन बिसेन से मुझे मिला है। एंड देन उसके बाद मुझे सोनू सूद से मिला है। क्या बात है, सोनू सूद से मिला, वो सबसे बड़ा। हाँ, exactly, क्योंकि वो पूरे हिंदुस्तान की हीरो है, भले उन्होंने पिक्चरों में विलन का काम किया है, सुपरस्टार, लेकिन आज उनसे पूरा हिंदुस्तान इतनी मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप वहाँ के लिए नॉमिनेट कैसे हुए, क्या प्रोसीजर थी उसकी? एक्चुअली वो ऑनलाइन का प्रोसीजर था। ये एक्चुअली हार्डली 1 ईयर लगा ये प्रोसेस के लिए। एक्चुअली कोरोना के इसमें कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा था बहुत सारा, तो उसलिए उन्होंने डिले किया था। तो नॉमिनेशन फॉर्म भरा मैंने, एक बार भरा, उसके बाद सेकेंड टाइम में भी मुझे कुछ रिप्लाई नहीं आया फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम भरा तो फिर उसके बाद मुझे रिप्लाई आया उनका। तो फिर उन्होंने बोला कि आपका जो भी CV है, आपने अभी तक क्या अचीव किया है, आप मुझे वो सेंड करिए, क्योंकि पूरा जो रिकॉर्ड रहता है वो सोनू सर के पास जाता है। जब तक फिर सोनू सर पूरा देखते हैं कि हाँ उन्होंने रियली क्या उन्होंने स्ट्रगल किया है, क्या उन्होंने अचीवमेंट किए हैं, तो वो उनको सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसे करते करते फिर मेरा 6 महीने के बाद उन्होंने रिप्लाई दिया कि हाँ आप सिलेक्ट हो गए हैं, नॉमिनेट हो चुके हैं। तो बहुत खुशी हुई। फिर भी उन्होंने मुझे मतलब कंफर्म नहीं बताया कि हाँ आपका सिलेक्ट हो चुका है करके। उसके बाद मुझे 24 अगस्त को पता चला कि हाँ मैं फाइनली नॉमिनेट हो चुकी हूँ। ना मैंने फ्लाइट की टिकट की थी, ना ट्रेन की, कुछ नहीं। वेटिंग लिस्ट में मैं ट्रेन से गोवा गई थी 25 को। अरे वाह, और फाइनली आपको वो अवार्ड मिला। हाँ, फाइनली अवार्ड मिला। जैसे सोनू सर जैसे वो अवार्ड लेके थे, मैं जा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो मुझे देखे, मैं उनको देखूं। हमने ये भी देखा कि आप उनको हग करके बैठी हो, एकदम ज्यादा टाइट। एक्चुअली वहाँ पे कैसा था ना कि हम कभी भी स्टेज पे चढ़ते हैं तो हमें धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए। तो कोई भी वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, तो मैं वहाँ पे प्रणाम की, एंकर ने भी तारीफ की है, आप वीडियो में देख लेना। हम ये वीडियो लगाने वाले हैं, आप साइड में देख सकते हैं उनके सारे अवार्ड्स लेते हुए सोनू सूद के साथ और बाकी सारे अवार्ड्स। और फिर मैं जैसे स्टेज पे चढ़ी तो मैंने सर को पहले बोला, वो नागपुर वालों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं सोनू सर जी, तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं सर नागपुर से हूँ, आप भी वही कॉलेज से हैं, मैं भी वही कॉलेज से हूँ, हम लोग सिमिलर हैं। तो उन्होंने, और मुझे नहीं हुआ, पता नहीं मुझे क्या हुआ मैंने, और सभी लोग वहाँ पे जा रहे प्रोफेशनली अवार्ड ले रहे, प्रणाम कर रहे, नमस्ते कर रहे, और देन आप स्टेज से नीचे उतर रहे। मैं वहाँ पे गई, सडनली मैं वहाँ पे एक ऐसी लड़की थी कि मैंने डायरेक्ट जाके उनको हक किया। मैं बोली ये मौका बार बार नहीं मिलता है, तो मैंने डायरेक्ट जाके हक किया। तो उनको मैंने और एक बार बोला कि मुझे आपसे और एक मिलना है, भगवान की कृपा से और एक बार मिलना हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे उनके मैनेजर का भी नंबर दिया है। तो कल्याणी ने चांस पे पूरा डांस मारा है और सोनू जी को हक करके आई हुई है। मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले 3 साल से आपने ना बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 3 साल में कोविड के चक्कर हर इंसान अपनी जिंदगी के बेहतरीन कामों को छोड़ रहा था, कर नहीं पा रहा था, लेकिन इन 3 सालों में आपने लगातार मेहनत की है, लगातार कुछ ऐसा किया है जिसमें आपका बहुत नाम हुआ है और आपके काम की बहुत तारीफ हुई है। तो ये कोविड की वजह से आपको कोई असर नहीं हुआ? कोविड के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, और मैं एक समाज सेविका भी हूँ, तेली समाज की महिला, नागपुर जिला परिषद महिला आघाड़ी की अध्यक्ष भी हूँ। तो इसमें से बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हुए, मतलब जैसे हम हेल्प करते हैं किसी अनाथ आश्रम में, रुद्राश्रम में, तो एक्चुअली हमारा ये था ना कि एक्चुअली सभी कुछ चालू हो रहा था, पार्लर चालू नहीं हो रहे थे, स्टूडियो चालू नहीं हो रहे थे, क्योंकि
कुछ कुछ भी हो तो फेस टू फेस हमें वर्क करना पड़ता है मेकअप का, तो सरकार ने सब बंद कर दिया था। बट इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद भी मुझे रुद्राश्रम से कॉल आया कि मैडम हमें बहुत ज़्यादा नीड है। तो फिर मैंने उनकी जैसे 10-15 जितना भी मेरे से हो सकता है उनको मैंने हेल्प की, गेहूँ दिए, चावल दिए, अनाज दिए, जितना भी है हेल्प की मैंने। बट वो हम हमारा दर्द नहीं बता सकते कि यार हम लोग कितने प्रॉब्लम में हैं। तो कहते हैं ना कि जब लोग, जब कोई इंसान दूसरों का भला करता है, दूसरों का अच्छा करता है, जो इंसान फूल बेचता है उसके हाथों में खुशबू हमेशा रही जाती है। और ये डेफिनेटली सोनू सूद से आपको अवार्ड मिला है, आपको इतने सारे अवार्ड मिले, मैं जानना चाहता हूँ आपके अब तक तिजोरी में कितने अवार्ड्स आ चुके हैं? अभी एक दो कितने है फिर भी 15 वगैरह 15 से 16 अवार्ड। कुछ अवार्ड्स के नाम जानना चाहता हूँ मैं। एक अभी जब रिसेंटली मुझे मिला है जैस्मिन बिसेन से इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड, और सोनू सूद से मिला है इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड, और नेशनल नेशनल ग्लोरी अवार्ड मुझे उड़ीसा से मिला है। देन क्राइम पेट्रोल से भी मैंने वहाँ पे वर्क किया है क्राइम पेट्रोल ने, तो उन्होंने, उनको ये लगा कि यार ये इतना स्ट्रगल करके नागपुर से मुंबई में आती है और हम जब बुलाते हैं तब फटाफट वो आ जाती है, वेटिंग में बैठ के वो ट्रेन में आ जाती है, तो उन्होंने भी मुझे वहाँ पे सत्कार वगैरह किया था। तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। क्या बात है कल्याणी, ये भी हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि आपने इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत की और आपने इतना बड़ा और इतने सारे अवार्ड हासिल किए। मैं जानना चाहता हूँ कि जितने भी इतने सारे आजकल नए नए मेकअप आर्टिस्ट आ रहे हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, जो बड़ा मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहूँगी, कैसा रास्ता चुनने को कहूँगी? उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि मेहनत, देखो स्ट्रगल तो सबको करना पड़ता है, मैं स्ट्रगल करके यहाँ तक आई हूँ, बट आप मेरे हिसाब से मैं काम में समझदारी नहीं दिखाती कि हाँ ऐसा इतना सोच और ये बिना समझदार किए, बिना समझदार किए इन्होंने सोनू सूद जी से अवार्ड भी ले लिया है। अरे वाह क्या बात है। हमारे वर्क में हम पागल होना चाहिए, हमें वो काम से पागलपंती दिखाना चाहिए, समझदारी होने से कुछ हासिल नहीं होता है। हम बहुत ज़्यादा सोचते बस करना है तो करना है बस। जब मैंने दबंग मूवी देखा था तब सोनू सर को देखा था कि वो जब जैसे मतलब उनकी बॉडी वगैरह तो कोई भी अट्रैक्ट देख रहे हो इन्होंने ऐसी हग नहीं किया स्टेज में जाकर, इनका क्रश है वो मेरा क्रश थे। तब मैंने सोची, तब इतने साल हो गए तब से मैंने सोची कि नहीं यार ये बंदे को तो मिलूंगी मैं, सलमान खान से नहीं मिलूंगी बट ये बंदे को तो जरूर। मैं ये दोनों को टैग करने वाला हूँ, सलमान खान जी को भी और सोनू सूद जी को भी। और एक्चुअली ऐसे इंसान से मुझे अवार्ड मिला है, ये सबसे बड़ा मेरा बिग अचीवमेंट रहा है आज तक का, कि इतने मतलब उन्होंने कोरोना के इसमें बहुत कुछ योगदान दिया है, तो ऐसे समाज सेवी का, समाज सेवा करने वालों से मुझे अवार्ड मिला, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या बात है। ये थी मेरे साथ कल्याणी जी, जिन्होंने छोटी सी उम्र में बड़ा धमाल मचाया, खूब नाम कमाया और बड़े बड़े अवार्ड हासिल किए। बहुत कोई और बहुत सारे लोग इनके जैसा बनना चाहते हैं। हर किसी की शुरुआत एक छोटे से सपनों से होती है, उन सपनों को पूरा कैसे करना है और उन सपनों को पूरा करने के लिए क्या क्या आहुति देना पड़ता है, ये तो आप जब उस रास्तों में चलोगे तब पता चल जाएगा। मेहमान यहाँ से तो विदा, मिलूंगा अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए जवाबों के साथ और कुछ नए चेहरों के साथ। टिल देन मान से गुड बाय एंड टेक केयर।